Hi everyone, welcome or welcome back to my channel Janvi NZ Vlogs. So today's vlog is going to be very exciting. आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ मंदिर और आप मेरे गेटअप से समझ ही गए होंगे. एंड ये सूट मैं लेकर ही आई थी सिलवा के. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सूट्स और आज मैं आप सब लोगों को लेकर जाऊँगी स्वामी नारायण मंदिर, जो कि मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट की वॉक पे है. और वहाँ कैसे पूजा होती है, कैसे मतलब सब लोग पुजारी और वो सब कैसे करते हैं, मतलब पूजा वगैरह, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. एंड बहुत ही मतलब शांति मिलती है क्योंकि आई नो एंड यू गाइज ऑल्सो नो कि स्टार्टिंग में बहुत थोड़ा हो जाता है ना, इमोशनल भी होता है. इंटरनेशनल स्टूडेंट कोई भी हो चाहे, इंटरनेशनल स्टूडेंट ना भी हो बट फैमिली से दूर हो तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ, थोड़ा सुकून मिलता है वहाँ जाकर. और मैं रोज़ जाती हूँ और शाम को रोज़ मंदिर में आरती होती है 6:30 से लेके 7:30 तक, और मैं रोज़ जाती हूँ और मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है. और मैं आज आप लोगों को भी लेकर चलूँगी स्वामी नारायण मंदिर में. वहाँ पर सभी भगवान हैं, मतलब भगवान तो देखो सभी एक ही है, जो भी है भगवान तो, बट सभी मतलब मूर्तियां हैं वहाँ पर. भोलेनाथ जी की भी है, राम दरबार भी है, और कृष्ण राधा कृष्ण भी है, और स्वामी नारायण जी भी हैं. तो और हाँ, एक बात मुझे और कहनी थी कि मैंने अपना डिटेल्स वगैरह सब चेक किया तो उसमें शो हुआ कि 58% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया. वो सब वीडियोज़ देख कर बस चले जाते हैं. भाई से भागो मत, रुको, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो चैनल, और जितना हो सके उतना सपोर्ट करो. और या डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. सिर्फ थोड़े से ही हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया और जो वीडियोज़ वगैरह देखते हैं. सो इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करो एंड खूब सारा प्यार. लेट्स जस्ट गो टू द मंदिर नाउ. स्मॉल सेट टू गो, धूप बहुत तेज है बट लेट्स जस्ट गो क्योंकि आरती का टाइम हो गया है एंड आई एम लेट बिकॉज आज मेरी क्लास थी. फिर से नो ट्रेन्स, तो अब मैं स्टेशन भी आसानी से क्रॉस करके यहाँ पर 8 बजे तक 8:30 बजे तक मोस्टली ऐसा ही एकदम उजाला रहता है, मतलब अंधेरा नहीं होता बहुत जल्दी से. तो ये है मंदिर का रास्ता और हम मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट में पहुँच जाएंगे. नो आज थोड़ा स्पेक्स भी नहीं लगाया, लेंसेज तो मैं अवॉइड ही करती हूँ जितना ज़्यादा हो सके. मेरी आईज़ पे कंफर्ट नहीं, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगते और थोड़ा वियर्ड भी लग रहा है बट ठीक है, जैसा भी है. दिस इज़ द रियलिटी गाइस, दिस इज़ मी विदाउट स्पेक्स. हाँ, पानी की बॉटल लेके आना ज़रूरी है क्योंकि आज मैंने थोड़ा मंदिर का ब्लॉग करना है, तो आई ट्राई कि मैं रिकॉर्ड करूँ सब चीज़ें और अच्छे से. बाकी ये तो चढ़ाई है. I will try to show my full look but I don't think so कि हवा की वजह से मेरी आवाज़ भी जा रही है. I don't know if तो ये एक बीच में रोड क्रॉस आता है, इधर भी देखो और उधर भी देखो, उन्होंने भी दी है. हमेशा जो भी आपको वे दे कार में, राउंड अबाउट पे दे या नॉर्मल रोड पे दे, उसे हमेशा एक आप थैंक्स बोल सकते हो स्माइल के साथ, या फिर अपना यू नो थंब दिखा के आपकी थैंक्स मेट आप उन्हें बोल सकते हो. ये एरिया यहाँ पे बहुत लोग आते हैं खेलने शाम के टाइम पे अपने बच्चों के साथ. लेडीज जो है वो प्रैम्स में लेकर आती है अपने बच्चों को, तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहता है बट कभी कभी ये सुनना भी होता है पासा. और मैंनू याद है मैं एक बार आई थी तो आई डोंट नो कोई हस्बैंड वाइफ दे वर फाइटिंग, वो लड़ाई करते करते वो ना बहुत ही तेज, मतलब मैनू फॉलो करन लग गई तो मैं डर गई बट वो एक्चुअली मैनू फॉलो नहीं कर रही थी बट मैनू इदा लग गया भी वो मैनू फॉलो कर रही है. सो आई गॉट स्कैड बट इतने थोड़ा फिर भी अलर्ट रहना पैदा. दो इट्स अ वेरी सेफ कंट्री बट फिर भी यू हैव टू बी एक्टिव एंड अलर्ट. मैं अपनी लुक दिखानी है थानू, वेट. दिस इज रेवनडेल एंड मंदिर में और भी नीचे मतलब चीज़ें रहती हैं. अगर आपको कुछ भी धार्मिक चीज़ चाहिए, जैसे कि कोई बुक हो गई पूजा की, पाठ की, किसी भी चीज़ की, या फिर आपको इवन छोटा सा मंदिर भी लेना है, मूर्ति भी लेनी है, तो वो भी आपको अवेलेबल मिलेगी मंदिर में. मैं अभी पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊंगी आपको.
आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे. जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. बट आई बिलीव कि स्टार्टिंग में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सबको टाइम लगता है, चाहे वो कुकिंग हो, व्लॉगिंग हो या कुछ भी हो. आई मीन यहाँ पे व्लॉगिंग को लोग वी लॉगिंग बोलते हैं, आई डोंट नो इफ इट्स वी लॉगिंग और व्लॉगिंग, बट हाँ मेरे लिए तो व्लॉगिंग ही है. सो हियर वी गो, मंदिर आ गया है, थोड़ी सी ढलान है एक तो लाइक यू कैन सी एंड दैट्स ये मंदिर स्वामी नारायण मंदिर. आई होप मैं आरती वास्ते लेट नहीं हो गई, बट लेट्स जस्ट गो. एंड जब भी ऐसी कोई रोड होती है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बहुत आराम से, ये नहीं कि स्पीड में पकड़ते पकड़ते आप, क्योंकि ये बहुत रिस्की रोड्स होती हैं. कई बार पैर स्लिप हुआ तो आप सीधा नीचे जाओगे रुड़ते हुए, है ना, फिर चोट लगेगी, फ़ायदा नहीं. सो इसीलिए थोड़ा आराम से. और यहाँ पे मंदिर में बहुत अच्छा सिस्टम है, गेट्स लगे हुए हैं, कई बार गेट बंद हो जाते हैं बट खुला होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, सब लोग आ रहे हैं. सो ये रहा हमारा बहुत ही सुंदर और अमेजिंग स्वामी नारायण का मंदिर. बहुत अच्छा, आई थिंक यहाँ पे भी कोई रहता है, अकोमोडेशन है ये, आई थिंक मंदिर के पुजारी वगैरह सब रहते होंगे. कार पार्क सब अवेलेबल है, आप पार्किंग कर सकते हो. बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स वगैरह भी लगे ना, एंड यू कैन गो इनसाइड. आज ये गेट खुला है तो हम यहाँ से जाएंगे. यहाँ पर अपने शूज में घर के आप जा सकते हो. यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो. Yeah.
सब आरती वगैरह बहुत अच्छे से हो रही है। कुछ यहाँ का इस तरीके का व्यू है, बहुत ही शांति। और अभी यहाँ पे 7:30 हो गया है, बट सूरज अभी भी देख लो 8 बजे तक ऐसा ही रहता है। यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल है एक चीज़, यहाँ पर मन को इतनी शांति मिलती है यहाँ आकर, बहुत बहुत शांति। श्री स्वामी नारायण विजयते सब लिखा है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर, सुकून और शांति है यहाँ। रोज कुछ टाइम तो हम निकाल ही सकते हैं भगवान के लिए, इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है भगवान ने हम सब। यहाँ का बैक साइड का है एरिया, मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को। एकदम क्लीन है और पर आई थिंक यूथ सेंटर है ये, यहाँ लिखा है ये यूथ सेंटर है, स्वामी यूथ सेंटर। बहुत सुंदर, बहुत लोग आते हैं रोज़ यहाँ, बहुत लोग। एंड ओवरऑल मुझे भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ का, जब भी मन उदास होता है या घर की याद आती है, घर पे बात तो कर लेते हैं बट स्वामी नारायण मंदिर आकर बहुत शांति मिलती है और ऐसा लगता है कि हाँ घर है ये भी एक मेरा। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सा गार्डन, सा छोटा सा गार्डन बना हुआ है, ये भी कोई प्लेस है यहाँ पर। सब ग्रीनरी रहता है यहाँ पर, अच्छे अच्छे पौधे हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर से कि मार्बल्स का बना हुआ है, बहुत प्रीटी। वहाँ पर पीछे तक कार पार्क रहता है, तो कार पार्किंग में कोई इशू नहीं रहता। अभी भी आरती चल रही है वहाँ पर, पीछे तो वही पार्क है ऊपर जहाँ से मैं आती हूँ रोज, ये मंदिर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बहुत हो गया फोटोशूट, फोन भी गिरा दिया, बट टच वुड कुछ भी नहीं हुआ फोन को, क्योंकि कवर था दूसरे वाला, अच्छे वाला, और गार्ड भी था।
बट कार के ऊपर बॉटल रख के जुगाड़ करोगे तो यही होता है। बट या आई होप यू गाइज इन्जॉयड द व्लॉग, मंदिर व्लॉग आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। सो यहाँ पे आप बटन प्रेस करोगे तो अभी गेट खुलेगा। बाहर के लिए ये वाला बटन प्रेस करना है ऊपर जो उसके साथ बना है, और अंदर उस बॉक्स के नीचे बटन है स्विच के लिए। मिलते हैं दोबारा स्वामी नारायण जी, तब तक जय स्वामी नारायण। जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको ब्लेसिंग्स देना, उन सबका जल्दी जल्दी वीज़ा लगवा के मेरे पास भेजना। जय स्वामी नारायण। एकदम ऐसे दिल खुश हो जाता है जब भी मंदिर से आओ, सारे दिन की स्ट्रेस, क्लासेस की स्ट्रेस या अकेला थोड़ा इमोशनल भी होता है वो भी ठीक हो जाता है। सो सब रिलैक्स हो जाता है स्वामी नारायण मंदिर आने के बाद। जय स्वामी नारायण। और जहाँ कान्हा जी दिख जाए वहाँ तो बस फिर किसी चीज़ का और जोर नहीं चलता। आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा और मैं दर्शन करा पाई हूँ, बट जितना मुझसे हो सका पॉसिबल मैंने करवाया। और अगर आप लोग ऑकलैंड में रहते हैं, एवनडेल के आसपास रहते हैं, तो ज़रूर आइएगा और स्वामी नारायण मंदिर में ज़रूर ब्लेसिंग्स अपनी लेकर जाइएगा। बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है, अभी बाल सेट किए वो फिर से उड़ गए सारे। हेयर कट सोच समझ के लेना चाहिए। बट या इट्स ऑलवेज गुड टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स एंड न्यू हेयर कट्स एज वेल। बस और हाँ, ये मेरा न्यूजीलैंड में आकर, ऑकलैंड में आकर पहली बार मैंने कुछ इंडियन पहना है। सो इट फील्स गुड, काफ़ी अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, व्लॉग नंबर 3। और अभी तक जिस जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ यार कर दो सब्सक्राइब, ऐसा क्यों कर दो। एंड या लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और भी अब मैं इन्फॉर्मेटिव स्टार्ट करूँगी वीडियोज़ बनाना, क्योंकि 4-5 लोगों का मतलब मेरे पास इंस्टा पे और मतलब यूट्यूब पर भी क्वेश्चंस आए हैं कि वीज़ा प्रोसेस और वो सबसे रिलेटेड, तो आई विल मेक वीडियो फॉर दैट, फॉर सच थिंग्स। और बस तब तक के लिए आप भी खुश रहिए, मैं भी खुश रहती हूँ, और भगवान को टाइम ज़रूर दीजिए। जय स्वामी नारायण। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़। ओ गॉड, हेयरबैंड पहन के आना पड़ेगा। एंड देर इज़ नो अदर वे जिससे मैं अपना पूरा गेटअप दिखा सकूं, बट क्योंकि मेरा ट्राईपॉड भी टूट गया और पता नहीं वो कैसे बैग में था, और एयरपोर्ट पे आई थिंक हुआ होगा कुछ जिसकी वजह से वो टूट गया, क्योंकि एयरपोर्ट पे आप लोगों को पता ही है कि बैग्स को पटका पटका के मारते हैं। तो अभी ट्राईपॉड भी मैं जल्दी से अरेंज करूँगी। बस छोटी सी बिल्ली दिखी मुझे, हाय। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। जय स्वामी नारायण।